हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में एंटर कर चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट्स, काफी सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स इस बात पे एग्री करते हैं दैट द वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ रिसेशन। बट अब दुनिया में ये डिस्कशन चल रही है कि शायद दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में जा सकती है। इससे पहले दुनिया ने सिर्फ एक बार इकोनॉमिक डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है और ये स्टार्ट हुआ था 1929 में। बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये चिंता जता रहे हैं कि शायद COVID-19 पैंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी इतिहास में दूसरी बार इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा सकती है। रिसेशन और डिप्रेशन बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है फॉर द इकोनॉमी, फॉर सोसाइटी एंड स्पेशली फॉर द पुअर एंड द मिडिल क्लासेस। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था, कहाँ आया था, उसका इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी पे, कंट्रीज पे, पॉलिटिक्स पे, ताकि हम ये समझ सकें कि अगर दोबारा से ग्लोबल इकोनॉमी डिप्रेशन में जाती है तो क्या कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम आने वाले टाइम में। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। द वर्ल्ड इज ऑलरेडी इन अ रिसेशन। IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया था कि दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। और इसका रीजन क्या है? COVID-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए दुनिया भर में ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन अनाउंस किया और लॉकडाउन के चलते ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम बंद हो गई हैं, रुक गई हैं। और जब सभी मेजर इकोनॉमीज में, चाहे यूरोपियन इकोनॉमीज हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, एशियन इकोनॉमीज हो लाइक चाइना, इंडिया, ज्यादातर इकोनॉमीज में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम रुक गई है। एंड दिस इज द रीजन दैट द वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ रिसेशन। अगर हालात इससे भी बुरे होते जाएं, अगर रिसेशन को कंट्रोल ना किया जाए टाइमली स्टेप्स लेके जो गवर्नमेंट्स लेती हैं, सेंट्रल बैंक्स लेते हैं, तो इससे अगला स्टेप क्या है? अगर रिसेशन को कंट्रोल ना किया जाए दैट कैन बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ग्लोबली यही चिंता है कि शायद ये रिसेशन डिप्रेशन का रूप ले सकता है। वेरी सून वी कैन बी फेसिंग द सेकेंड इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। सो दीज आर डिफरेंट आर्टिकल्स बींग रिटन इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, ग्लोबल मीडिया, इंडियन मीडिया, ये सब ये कवर कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट फोर्ब्स में, दिस लुक्स लाइक अ डिप्रेशन नॉट अ रिसेशन। और अगर जल्दी वैक्सीन नहीं डेवलप होती COVID-19 की और ये लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाता तो चांसेस हैं कि हम डिप्रेशन देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने यह सजेस्ट किया था कि दुनिया को COVID-19 से बचने के लिए 10 हफ्ते के लॉकडाउन पे चला जाना चाहिए। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी 10 वीक के लिए लॉकडाउन करती है, विल दैट लीड टू अ ग्रेट डिप्रेशन? दिस इज अनदर रिपोर्ट फ्रॉम अल जजीरा। यहाँ पर भी यही सवाल है, कोरोना वायरस का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या सिर्फ रिसेशन आएगा जो आ चुका है, या फिर ये रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? तो दुनिया भर में यही डिस्कशन हो रही है कि क्या हम डिप्रेशन के काफी करीब हैं। स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से, रिसेशन क्या है और डिप्रेशन क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। इकोनॉमी में कब एक्सपर्ट्स किसी फेज को रिसेशन डिक्लेयर कर देते हैं, कब कोई फेज डिप्रेशन कैटेगराइज किया जाता है? सो रिसेशन, इट इज अ इकोनॉमिक डिक्लाइन, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाना रिसेशन है और डिप्रेशन भी है। तो अगर कुछ महीनों के लिए, फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स के लिए इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है तो उसको रिसेशन कैटेगराइज कर दिया जाएगा। अगर ये काफी सालों तक स्लो डाउन रहता है, इकोनॉमी रिकवर करना नहीं स्टार्ट करती, तो इस रिसेशन को हम डिप्रेशन कैटेगराइज कर देंगे। सो इकोनॉमिक डिक्लाइन फॉर अ फ्यू मंथ्स लाइक 2 क्वार्टर्स, और अगर स्लो डाउन बहुत सालों तक चले लाइक 1, 2, 3, 10 साल तक चले तो उसे हम डिप्रेशन कहेंगे। यहां तक हो गए हमारे बेसिक्स क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ था, किस देश में स्टार्ट हुआ था और क्यों स्टार्ट हुआ था। इससे पहले या इसके बाद कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में इतना बुरा फेज नहीं आया। और सरकारें, सेंट्रल बैंक्स, इकोनॉमिस्ट्स इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं, इसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने हमेशा के लिए चेंज कर दिया। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट। और हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी समरी से, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द इवेंट्स, द रीजंस, कॉजेस, इंपैक्ट्स इन डिटेल। तो 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में ये सबसे बड़ी गिरावट थी। दिस वॉज द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये सब स्टार्ट हुआ एक स्टॉक मार्केट क्रैश से, और जिस दिन ये हुआ उस दिन को ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। इट ऑल स्टार्टेड इन अक्टूबर 1929। इस क्रैश के जरूर कुछ कारण रहे होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इस वीडियो में। ब्लैक थर्सडे के बाद 4 दिनों में US स्टॉक मार्केट्स 22% गिर गई और ऐसे शुरुआत हुई सबसे लंबे और सबसे सवेयर इकोनॉमिक क्राइसिस की। और ये 10 साल बाद खत्म हुआ, 1929 to 1939। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी लगातार स्ट्रगल करती रही।
अमेरिकन लोग बहुत बुरे हालातों में जी रहे थे और अमेरिकन इकॉनमी सबसे अच्छे टाइम से गुजर रही थी और एकदम 1929 से अमेरिकन इकॉनमी ने अपने सबसे बुरे टाइम में एंट्री ली। सो दिस वॉज अ लिटल बिट अबाउट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब हम सारी कहानी डिस्कस करेंगे। तो अगर 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उसके कुछ जरूर कारण रहे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉजेज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1920s में अमेरिका की इकॉनमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और इसीलिए 20s के डेकेड्स को नाम दिया गया रोरिंग 20s। इसी टाइम पे अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में, फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत बड़े लेवल पर स्पेकुलेशन की जा रही थी। स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन का मतलब है कि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज में, कुछ ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट्स करनी जो बहुत वॉलेटाइल हैं, जिनके प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं और जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क है। फॉर इंस्टेंस ऐसी एक खबर है इकॉनमी में कि भारत सरकार गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है, तो इससे क्या होगा, इंडिया की इकॉनमी में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी और इससे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर इस खबर के चलते कोई इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है ये स्पेकुलेट करते हुए कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेगी और इससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे और वो बढ़े हुए प्राइसेस पे गोल्ड को बेच देगा और उसको फायदा हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे स्पेकुलेशन। बट हो सकता है भारत सरकार ऐसा फैसला ना ले और ये भी हो सकता है कोई ऐसा फैसला ले ले कि गोल्ड के प्राइसेस गिर जाएं। तो स्पेकुलेशन करते हुए बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो ये स्पेकुलेशन शेयर्स के साथ, ऑयल के साथ, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकती है। इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि जल्दी पैसा बनाया जा सके, बट इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी और अमेरिकन पीपल शेयर्स बहुत ज्यादा खरीद रहे थे। तो क्योंकि 20s में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि अमेरिकन इकॉनमी अब ग्रो करती रहेगी, ऐसे में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है, तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं और शेयर्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुके थे। बिकॉज बहुत सारे लोग शेयर्स को खरीद रहे थे, उनकी डिमांड ज्यादा थी, इसलिए शेयर प्राइसेस वर हाई। बट अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व टाइट मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा था स्पेकुलेशन को कम करने के लिए। स्पेकुलेशन को बहुत हेल्दी इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस नहीं माना जाता, हालांकि कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं, बट फेडरल रिजर्व उस टाइम पे कोशिश कर रहा था कि ये स्पेकुलेशन को रिड्यूस किया जाए। और ये कैसे कोशिश की जा रही थी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करके। नाउ व्हाट इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई है इसको रेगुलेट किया जाता है, और जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना हो तो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिनको कहा जाता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ज्यादातर देशों में मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना सेंट्रल बैंक्स का काम होता है, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जाए इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इससे दो चीजें होंगी। नंबर वन, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, और जब ज्यादा मनी सप्लाई होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और जब प्राइजेस बढ़ते हैं उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जाएगा, लेकिन इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ग्रोथ भी कम हो जाएगी। वो कैसे कम हो जाएगी? बिकॉज कंज्यूमर्स के पास पैसे कम होंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, और इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कम हो जाएंगे। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जाएगा इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि ग्रोथ भी कम हो जाए। और जब मॉनेटरी पॉलिसी को इजी कर दिया जाएगा, वो इसलिए किया जाएगा जब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ग्रोथ बढ़ाना चाहती है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स के पास डिमांड करने के लिए पैसा आसानी से होगा, और इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होगा। बट जब कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे तो उससे महंगाई भी बढ़ सकती है। सो कमिंग बैक, यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा था स्पेकुलेशन को कम करने के लिए, लेकिन इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? बिजनेसेस के पास और कंज्यूमर्स के पास जो मनी थी उसकी सप्लाई कम हो गई, और क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो रही है, बिजनेसेस के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है और कंज्यूमर्स के पास चीजें डिमांड करने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इस वजह से प्रोडक्शन कम होने लगी, प्रोडक्शन स्टार्टेड फॉलिंग। लेकिन इस टाइम पे स्पेकुलेशन की वजह से शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, और इसको हम इकोनॉमी में कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू उनकी फेस वैल्यू से कम है, और ऐसी सिचुएशन में शेयर मार्केट्स अपने आप को रीसेट करेंगी, अपने सही वैल्यू पे लेके आएंगी, और अगर गवर्नमेंट्स इस टाइम पे सही स्टेप्स नहीं लेती तो शेयर मार्केट्स में क्रैश भी हो सकता है। अब सेंट्रल बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखा, मैन्युफैक्चरिंग और कम होती रही, और जब मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गई तो वेजेस कम हो गई और कुछ लोगों को काम से निकालना पड़ा। सो अमेरिकन इकॉनमी में वेजेस कम होने लग गई हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई है,
बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज गेटिंग स्लो। सो ये एक डायग्राम है जिसमें मनी सप्लाई दिखाई गई है, कैसे बढ़ रही थी कैसे कम हो रही थी अमेरिका में। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब था इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाना, एंड व्हेन वी से इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया दैट मींस जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो रही है। इन दिस चार्ट वी हैव मनी सप्लाई, तो इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि मनी सप्लाई कम हो रही है, एंड वी नो कि इस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, दैट मींस जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो गई थी। सो वी कैन सी अ कोरिलेशन, जैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो रही थी वैसे ही ग्रोथ रेट भी कम हो रहा था। और ये टाइम है 1929 जब मनी सप्लाई कम होने लगी और यहीं से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया इकोनॉमी में। सो फेडरल बैंक की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एक कारण था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट होने का। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है इकोनॉमी में, टोटल डिमांड इकोनॉमी की कम हो रही है, और जब ये लंबे पीरियड तक चलता रहेगा तो काफी कंपनीज बंद होने लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैंकक्रप्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो बैंकक्रप्सी स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन अमेरिका। सो अब लोगों की वेजेस कम हो रही हैं, उनकी जॉब्स जा रही हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखे थे वो लोन्स वापस नहीं कर पा रहे थे, तो अमेरिकन बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो बढ़ने स्टार्ट हो गए। सो अराउंड ऑगस्ट 1929 अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी थी। रिमेंबर अभी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुआ बट रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी भी कुछ स्टेप्स लिए जा सकते थे जिससे रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो, एंड वी विल सी वो स्टेप्स लिए गए या नहीं लिए गए, और अगर नहीं लिए गए तो क्यों नहीं लिए गए बिफोर दैट द स्टॉक मार्केट क्रैश। तो अब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, बैंक्स के बैड लोन्स बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में नेगेटिव खबरें छप रही हैं। सो इन्वेस्टर्स अब नर्वस होना स्टार्ट हो गए, और स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टर सेंटीमेंट बहुत जरूरी चीज है। इंडिया में भी जब भी बजट पेश किया जाता है तो स्टॉक मार्केट्स ऊपर या नीचे चली जाती हैं। जब एक गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, अगर वो फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट हो तो स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली जाती हैं, अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट्स हो तो स्टॉक मार्केट्स नीचे चली जाती हैं। इसका रीजन यही है कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट अच्छा या बुरा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वहां पे इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट अब नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। तो 24th of October 1929 को बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एक साथ शेयर्स बेच दिए, और इस दिन हुआ स्टॉक मार्केट क्रैश, और इसी दिन को हम ब्लैक थर्सडे के नाम से जानते हैं। और ये वो दिन है जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 की शुरुआत हुई। ब्लैक थर्सडे के बाद सभी इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचते रहे। ब्लैक ट्यूजडे को ब्लैक थर्सडे से भी बड़ा एक क्रैश हुआ, और ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए 29th of October 1929 को। अब अमेरिका की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी इसलिए इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट से पैसे वापस ले लिए। अब क्योंकि इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट से पैसे वापस ले लिए तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी का सेंटीमेंट और ज्यादा बुरा हो गया। अमेरिकन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस हिल चुका था, और ऐसे टाइम में कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेते हैं। तो इकोनॉमी में अगर लोगों को लग रहा है कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं रहेगा तो कंज्यूमर्स लग्जरी कार्स नहीं खरीदने चले जाएंगे, वो पैसा अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। सिमिलरली इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए तो उनको रिटर्न नहीं आने वाली, तो वो रोक के वेट करेंगे, देखेंगे इकोनॉमी कैसे ठीक होती है, कब ठीक होती है तब इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और जब कंज्यूमर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स और गिर जाती हैं तो इकोनॉमी और डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है, तो ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस साइकिल से निकालने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अदरवाइज ये विशियस साइकिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। इकोनॉमी और गिरती रहेगी, कंज्यूमर्स और कम स्पेंड करेंगे, इन्वेस्टर्स और कम इन्वेस्ट करेंगे, और ये चलता रहेगा। सो स्पेसिफिक स्टेप्स आर नीडेड टू ब्रिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ सच अ विशियस साइकिल। और ये कोई यूनिक चीज नहीं है कि तभी हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। 90s की स्टार्टिंग में इंडिया में हुआ था जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आए डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। 2007 में अमेरिका में दोबारा से हुआ था, और यूरोपियन कंट्रीज में भी उसका इम्पैक्ट हुआ। तो जब रिसेशन चल रहा होता है कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाने होते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा बिलीफ नहीं था। 1929 तक, इकोनॉमिक डिप्रेशन तक, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि मार्केट फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट को मार्केट्स में या इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, एंड दिस वॉज वॉट प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बिलीव्ड। तो अमेरिका के प्रेजिडेंट थे हर्बर्ट हूवर उस टाइम पे, और उन्होंने यही अप्रोच अपनाई, हैंड्स ऑफ अप्रोच, because he was of the view that government should not be directly intervening in the economy, demand, supply, employment apne aap khud ko adjust kar leti hain. To free markets ka yani laissez faire ka ye idea economist adam smith ne diya tha ki governments ko economy mein intervene kam se kam karna chahiye. To us time pe zyada tar log isi idea mein believe karte the, including american president. To demand ko badhane ke liye, economic growth ko badhane ke liye kuch specific steps nahi liye gaye. अगर कुछ स्टेप्स लिए गए तो उनसे हालात और बुरे हो गए।
फॉर इंस्टेंस स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास किया गया 1930 में, ये एक प्रोटेक्शनिस्ट एक्ट था। और आजकल प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अमेरिका में इंट्रोड्यूस किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। स्मूथ हॉली एक्ट ने क्या किया, जो अमेरिका के अंदर इम्पोर्ट्स आ रहे थे बाकी देशों से, उन पे टैरिफ्स बढ़ा दिए। अब ऐसे में कोशिश ये होती है कि जो अमेरिका की इंडस्ट्री होगी वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, जॉब्स मिलने लग जाएंगी। बट प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। तो जब अमेरिका ने इम्पोर्ट्स पे टैरिफ्स बढ़ाए तो बाकी देशों ने भी रिएक्ट किया और अमेरिका से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे, यानी उन देशों में जो अमेरिका से इम्पोर्ट हो रहे थे, उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए। तो जो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स थे वो और ज्यादा सफर करने लग गए। और ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स का सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि अगर कोई कंट्री किसी और देश से कुछ इम्पोर्ट करवा रही है तो या तो अच्छी क्वालिटी की वजह से इम्पोर्ट करवा रही होगी या कम प्राइजेस की वजह से इम्पोर्ट करवा रही होगी। तो अब ये कम प्राइजेस वाले इम्पोर्ट्स बंद हो गए, अमेरिका में जो प्रोडक्शन हो रही है वो एक्सपेंसिव होगी और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर से कंज्यूमर्स पे पड़ेगा, वो डिमांड नहीं करेंगे। और स्मूथ हॉली एक्ट को भी ऐसा ही रिएक्शन आया। यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स ने रिटेलिएट किया, रिएक्ट किया और अमेरिका की इकोनॉमी ने सफर किया इंस्टेड ऑफ एनी रिकवरी। अब काफी टाइम से ये रिसेशन चल रहा है जो डिप्रेशन बन चुका है। सो अमेरिकन पॉपुलेशन बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड थी या उनकी वेजेस बहुत कम कर दी गई थी। अमेरिका में होमलेसनेस बढ़ रही थी, अमेरिका में गरीबी बढ़ रही थी, लोगों के पास घर नहीं थे, खाना नहीं था। और 1920s की रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बाद अमेरिकन लोगों को ब्रेड लाइंस में लगना पड़ा, सूप किचन में जाके खाना खाना पड़ा। तो सरकार बेरोजगार और बेघर लोगों को खाना दे रही थी ताकि उनको जिंदा रखा जा सके। दिस इज हाउ पीपल सफर इन इकोनॉमिक डिप्रेशन। बट अभी और भी बुरी चीजें होनी बाकी थी अमेरिका में। लोग बैंक्स का लोन वापस नहीं कर पा रहे थे और क्योंकि उनको पैसे की डेस्परेट जरूरत थी तो बैंक से डिपॉजिटर्स अपने पैसे वापस मांगने लगे। और क्योंकि बैंक्स सबको पैसे नहीं दे पाया क्योंकि उनके लोन्स वापस नहीं आ रहे थे, बैंक्स स्टार्टेड फेलिंग इन अमेरिका। अभी रिसेंटली जो अमेरिका में 2007-08 में इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था एक बैंक के फेल हो जाने से। 1929 के डिप्रेशन में भी काफी बैंक्स फेल हुए। 1930 से 1933 के बीच में अमेरिका के 20% बैंक्स बंद हो गए। इसी टाइम पे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। एज इफ ऑल दिस वॉज नॉट बैड एनफ, डस्ट बाउल ट्रेजेडी हैपेंड। अमेरिका के सदर्न एरियाज में हेल्दी एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की जा रही थी, उस एरिया में जरूरत से ज्यादा एग्रीकल्चर किया जा रहा था। और लेट 1920s में इन एरियाज में सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया और बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉट बहुत सवेरे डस्ट स्टॉर्म स्टार्ट हो गए जिससे काफी लोग और लाइफ स्टॉक मरने लग गए। अमेरिका के सदर्न स्टेट्स की इकॉनमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी और 1930 से 34 तक 35 मिलियन एकर्स लैंड खराब हो गई, वो कल्टीवेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए सूटेबल नहीं रही। सो 1930 टू 34 अराउंड 35 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड बिकेम यूजलेस फॉर कल्टीवेशन। सो इनिशियल 30s में बैंक्स बंद हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। इसी टाइम पे डस्ट बाउल ट्रेजेडी हो गई। इस तरह के डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से अमेरिका के सदर्न स्टेट्स में बहुत लोग मर रहे हैं। एग्रीकल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी है और लाइफ स्टॉक मर रहा है और यहाँ पे काफी लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं रही। सो एज अ रिजल्ट काफी लोग इस एरिया से शहरों में जाने लगे नौकरियां तलाशने। और जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका में एक टाइम पे अमेरिका की 20% पॉपुलेशन, दैट इज 15 मिलियन अमेरिकन अनएम्प्लॉयड थे और अमेरिका की GDP ऑलमोस्ट हाफ गिर गई थी। इस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करती थी। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में कंट्रीज अपनी पेपर करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के साथ लिंक कर लेती हैं। और क्योंकि काफी सारी कंट्रीज एक कॉमन सिस्टम फॉलो कर रही थी तो एक कंट्री का इकोनॉमिक डिप्रेशन बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया। सो एज मेनी ऑफ दीज कंट्रीज दे वर अडेयरिंग टू अ कॉमन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, डिप्रेशन स्प्रेड टू अदर कंट्रीज एज वेल। और इसका बहुत मैसिव पॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ यूरोप में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यूरोप संभल रहा था, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई थी और ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। और उसी टाइम पे अमेरिका का इकोनॉमिक डिप्रेशन इनकी इकोनॉमीज को दोबारा से खतरे में डाल देता है और इन्हीं इंस्टेबिलिटीज के चलते हिटलर जर्मनी में पावर में आ गया। सो वन ऑफ द रीजन दैट हिटलर केम टू पावर इन जर्मनी वॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। शायद ये इकोनॉमिक डिप्रेशन ना आता तो हिटलर को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, बट क्योंकि जर्मनी में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी और जर्मनी की इकॉनमी बहुत बुरे हालत में थी, इसलिए हिटलर को सत्ता में आना आसान हो गया। हिटलर केम टू पावर और भी बहुत सारी कंट्रीज में पॉलिटिकल चेंजेस हुए, बट सेकंड जरूरी पॉलिटिकल चेंज हुआ अमेरिका में। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।
1933 में FDR बिकेम द प्रेसिडेंट। हमने अभी डिस्कस किया कि इकॉनमी के लिए सेंटीमेंट बहुत जरूरी चीज है, और अगर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया जाएगा तो कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, इनके एक्शंस खुद ब खुद इकॉनमी को रिकवर करने में हेल्प करेंगे। एंड ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट इन्होंने पहली स्पीच दी एंड ही सेड दैट द ओनली थिंग वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ। तो इन्होंने सबसे पहले ये एफर्ट्स किए कि अमेरिकन लोगों का अमेरिका की इकॉनमी में विश्वास बढ़े। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर आजकल मन की बात करते हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने फायरसाइड चैट स्टार्ट की। फायरसाइड मींस आग सेकते हुए अपने प्रेसिडेंट को सुनना। सो फायरसाइड चैट्स में अमेरिकन पीपल से सीधा बात करते थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, और उन्हें बताते थे कि क्या स्टेप्स सरकार ले रही है इकॉनमी को रिकवर करने के लिए, उनकी जॉब्स वापस दिलवाने के लिए। और FDR ने सिर्फ बात नहीं की, इन्होंने काफी स्टेप्स लिए। सो हिज एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स टू रीबिल्ड द इकॉनमी, रिफॉर्म द फाइनेंशियल सिस्टम, क्रिएट जॉब्स, बिल्ड सोशल सेफ्टी नेट एंड मेनी मोर थिंग्स। तो क्या स्टेप्स लिए गए? सबसे पहले 1933 में US ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज करना बंद किया। एंड आफ्टर दिस FDR लॉन्च्ड अ वेरी फेमस बास्केट ऑफ स्टेप्स नोन एज न्यू डील। तो अमेरिका में न्यू डील लॉन्च की गई। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, हम कुछ स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस टेनेसी वैली अथॉरिटी क्रिएट की गई, टेनेसी रिवर पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए जिससे उस एरिया में फ्लडिंग कंट्रोल की गई, और डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई। बहुत लार्ज सेक्शन अमेरिका का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, लेकिन जो वो प्रोड्यूस करते थे उसके प्राइजेस बहुत कम रहते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट। इसमें गवर्नमेंट ने किसानों को सब्सिडी देनी स्टार्ट की कि अगर वो अपनी ज़मीन पे कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं उगाते तो उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, सो दैट जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है वो ना हो और प्राइजेस क्रैश ना कर जाएं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के। फार्मर्स के लाइफ स्टॉक को खरीदा गया स्लॉटर हाउसेस के लिए। सो न्यू डील में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट लॉन्च किया गया, होम ओनर्स लोन एक्ट पास किया गया, लेकिन डिप्रेशन नहीं रुका, इकोनॉमिक रिकवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। सो 1935 में FDR एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और सेट ऑफ रिफॉर्म्स लॉन्च किए और इसे सेकंड न्यू डील कहा गया। इसके अंडर काफी स्टेप्स लिए गए, कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंशन हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट की गई, लाइक इंडिया में आजकल मनरेगा के तहत बहुत सारे गवर्नमेंट काम करवाती है, उसी तरह से वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम करवाया करती थी ताकि लोगों के लिए जॉब्स पैदा हों। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 में पास किया गया, अमेरिका के कुछ सेक्शंस को लाइक डिसेबल्ड, एल्डरली, उनको पेंशंस दी गई। सो मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स दे स्टार्टेड गेटिंग सम पेंशंस। अब लोगों के पास पैसा जाएगा, वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी। सिमिलरली जॉब्स दी जाएंगी तो उनके पास पैसा जाएगा तो वो अगेन डिमांड करेंगे, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगेगी। लेबर्स यूनियन बना सकें, उनको अच्छी वेजेस मिल सकें, इसके लिए नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट पास किया गया। 1935 में सेकंड न्यू डील लॉन्च की गई और 1936 में FDR अपने सेकंड इलेक्शंस जीत गए। अमेरिका में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका में कुछ महीनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वी हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ इज अमेरिकन प्रेसिडेंट चोजन, यू कैन गो टू द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो एज वेल। नाउ FDR हैज बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम, लेकिन इतने सारे स्टेप्स के बावजूद इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं रुक रहा। इनफैक्ट जैसे ही कुछ रिकवरी दिखनी स्टार्ट हुई थी, एक और रिसेशन आ गया 1937 में। GDP ग्रोथ रेट दोबारा से गिरने लग गई, और इसका कारण था फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक के कुछ डिसीजंस, उसकी वजह से दोबारा से रिसेशन आ गया। फाइनली रिकवरी हुई 1939 में, और उसका कारण था वर्ल्ड वॉर सेकंड। अमेरिका डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग से नहीं इन्वॉल्व था, बट अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बाकी दुनिया के जिन हिस्सों में लड़ाई चल रही थी वहाँ पे काफ़ी कुछ चाहिए था, और वो कौन प्रोड्यूस करेगा, अमेरिका। सो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई, जिससे ग्लोबल डिमांड बढ़ी और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से पटरी पे आनी स्टार्ट हो गई। एंड दिस वॉज अ फाइनल रीजन दैट लेड टू इकोनॉमिक रिकवरी इन अमेरिका। सो 1929 से 1939 तक इकोनॉमिक डिप्रेशन चलता रहा, बावजूद FDR के न्यू डील्स के इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेजी से नहीं हो रही थी। सो फाइनली वर्ल्ड वॉर टू ने अमेरिका की इकॉनमी को डिप्रेशन से निकाला। अमेरिका डायरेक्टली वॉर में शामिल हुआ दिसंबर 1941 में, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने लड़ाई लड़नी स्टार्ट की। उससे पहले अमेरिका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, बाकी देशों की डिमांड को पूरा कर रहा था,
और दोनों वर्ल्ड वॉर्स अमेरिका में नहीं हुई, अमेरिका के सॉइल पे सिर्फ पर्ल हार्बर अटैक हुआ। उसके बाद सारी वॉर या तो एशियन कंट्रीज में लड़ी गई या यूरोप में लड़ी गई, इसलिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इस सब के चलते मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करना स्टार्ट कर गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई एंड इकॉनमी स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन इन अमेरिका। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक था, एंड इनफैक्ट उन दोनों सुपर पावर्स में से भी अमेरिका वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो 1920s के इकोनॉमिक एक्सपेंशन से सारे 30s में अमेरिका की इकॉनमी ने स्ट्रगल की, एंड फाइनली 1939 से 45 में जो वॉर हुई उसकी वजह से अमेरिका बिकेम द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक रिकवरी में न्यू डील्स का कितना योगदान था, इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई, डिबेट्स हुई, एंड एज पर सम एक्सपर्ट्स न्यू डील्स ने कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करने का काम किया, इकोनॉमी को अपलिफ्ट नहीं किया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि न्यू डील्स ने भी इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प की। तो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से इकोनॉमिस्ट्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने, गवर्नमेंट्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन लिए। सबसे बड़ा लेसन था कि गवर्नमेंट को रिसेशन के दौरान इंटरवीन करके इकोनॉमी को डिप्रेशन में जाने से बचाना होगा, और ये लेसन्स इकोनॉमिक डिप्रेशन में अच्छे से लिए गए, और इसी वजह से इसके बाद कोई भी इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ। देयर वाज नो सेकंड डिप्रेशन। रिसेशंस दुनिया के काफ़ी हिस्सों ने और काफ़ी देशों ने देखे, बट डिप्रेशन दोबारा दुनिया में नहीं आया। एंड अनफॉर्चुनेटली COVID-19 पैंडमिक के कारण वर्ल्ड दूसरी बार डिप्रेशन में जा सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ, सेकेंड डिप्रेशन इज अहेड ऑफ अस और नॉट? क्योंकि अब दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ गई है, तो अगर ये चलता रहा वर्ल्ड सेकेंड टाइम इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा सकता है। बट देर इज नो अदर सोल्यूशन टू COVID-19 देन लॉकिंग डाउन। सो वी कैन ओनली प्रे कि जल्दी से वैक्सीन डेवलप हो जाए और कोरोना वायरस पैंडमिक को हम जल्दी से कंट्रोल कर लें, सो दैट इकोनॉमी दोबारा से चलनी स्टार्ट हो और ग्लोबल इकोनॉमी डिप्रेशन में ना जाए, बिकॉज वहां से वापस आने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और इस दौरान बहुत लोग सफर करते हैं, स्पेशली द पुअर वंस, लोअर मिडिल क्लास, एंड देयर कैन बी मेनी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल नेगेटिव इंपैक्ट्स। सो दिस वाज योर ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, एंड यू कैन यूज दिस टाइमलाइन टू रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड। ब्लैक थर्सडे से डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, देन ब्लैक ट्यूजडे वाज इवन बिगर फॉल, स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, FDR इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट, देन डिफरेंट स्टेप्स लिए गए FDR एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, रूजवेल्ट सेकेंड इलेक्शन जीत जाते हैं, एंड फाइनली इन 1939 समवेयर हेयर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट्स। 1941 में अमेरिका वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया, एंड दिस इज हाउ अमेरिका केम आउट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। अगर आप लाइक बटन प्रेस नहीं करते हो तो आपको इस चैनल पे अपलोड हो रही वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं आएगी, एंड इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आपको हर एक वीडियो के बारे में पता लगे, यू नीड टू प्रेस द बेल आइकन। दिस वॉज अ वीडियो प्रेजेंटेड बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।